साक्षात जगत जननी लक्ष्मी का अंश हूं मैं, तो मेरा भी उतना ही अधिकार है कालचक्र पर जितना माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का है। और अब मैं अपने इसी अधिकार का प्रयोग करके कालचक्र का आह्वान कर रही हूँ। सब सही करने के लिए मैं बहुत भाग चुके समय के पीछे, पर अब समय को ही पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं समय के चक्र को वहां ले जाके खड़ा कर दूंगी जहां मेरे मम्मी पापा के बीच कोई मतभेद नहीं था, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। 7 साल में जो बिगड़ा है वो सुधर तो नहीं सकता, पर मिट तो सकता है ना। आज मिटा दूंगी, फिर से एक नई शुरुआत होगी। 7 साल पहले से मैं उनके घर में एक बार फिर जन्म लूंगी, और इस बार हम बिछड़ेंगे नहीं बल्कि हमेशा के लिए साथ रहेंगे। मेरी चेतावनियों के बाद भी आश्री अपनी मर्यादाएं लांघने जा रही है। मैं हर भूल को क्षमा कर सकती हूँ, किंतु नियति के साथ खिलवाड़ कदाचित क्षमा योग्य नहीं है। समय के परिवर्तन का समय आ गया है। भविष्य सुधारने के लिए आज अतीत में जाना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी थी श्री, कि नियति को नियंत्रित करने का परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकता है। केवल अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए तुम संपूर्ण संसार को अतीत में वापस ले जाना चाहती हो। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करो श्री। अपने माँ पापा का प्यार पाना हर एक बच्चे का अधिकार है माता, उसको आप स्वार्थ कैसे बोल सकती है। और मैं तो आपका अंश हूँ, मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। कोई भी प्राणी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है, फिर चाहे उसने मनुष्य असुर या देव रूप में ही क्यों ना जन्म लिया हो, उसके कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। तुम मेरा अंश हो, इसलिए तुम्हारा दायित्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। तुम मानव के कल्याण के लिए अवतरित हुई हो। मैंने तुम्हें शक्तियां सत्कर्म करके इस संसार में एक आशा की नई किरण जगाने के लिए दी है, ना कि अपने कार्य सिद्ध करने के लिए। काल चक्र को स्पर्श करने के पहले स्वयं नारायण और महादेव भी अनेकों बार विचार करते हैं, और तुम बिना विचार किए मेरी बातों को अनसुना करके इतना बड़ा दुस्साहस करने चली थी। मेरा अंश किसी विध्वंस का कारण बने मैं ऐसी अनहोनी नहीं होने दे सकती। तुम इन शक्तियों के योग्य ही नहीं हो श्री।
मेरा तुम पर भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसीलिए आज मैं लक्ष्मी अपने द्वारा अवतरित किए अपने अंश से सारी शक्तियां वापस ले रही हूं। तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद तो होगा पर मेरा सामर्थ्य नहीं होगा। तुम पर मेरी ममता अवश्य होगी परंतु मेरी क्षमता नहीं होगी। अब तुम अपना शेष जीवन किसी सामान्य मनुष्य के जीवन के जैसे ही व्यतीत करोगी श्री। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ था। हाँ हाँ हुआ ना, मेरी डॉल की एंगेजमेंट हुई। आई एम सो हैप्पी। वैसे सविता जी कंग्रेचुलेशंस, हम फिर से एक बार समधन बन गए ना। चले आशा कहाँ चली गई, अभी तो यही थी। जैसा मैंने सोचा था वैसे तो हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई बट फाइनली हो गई। सो कंग्रेचुलेशंस माय फियांसी। अच्छा तुम ये रुको, मैं जगह गाड़ी लेके आ दूँ। आशा की चप्पल है ये यहाँ कैसे? आशा तो घर में थी ना, आशा किधर गई? थी तो पर अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं, इधर किधर खेल रही होगी, चलो वहां पे देखते हैं। माँ 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 मैं और अलग नहीं रह सकती आपसे। आशा 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 बेटा, क्या हुआ तुझे? आशा आंखें खोल बेटा, क्या हुआ तुझे? आशा मत जा माँ, नहीं रह सकती। क्या बोल रही है बेटा तू? मैं पानी लेकर आती हूँ। Finally, I'm so happy. My daughter, my darling, my princess Isha. He's engaged. अच्छा भाई बेटा, मैंने वो डायमंड के कंगन बनवाए हैं ना? वो देना जरा। Of course. Wow, नानी, डायमंड के कंगन, वो तो मुझे भी चाहिए। तुझे चाहिए? अरे ईशा मासी की शादी होने वाली है ना, तो उन्हें शादी में पहनाएंगे।
गिफ्ट है उनके लिए। मुझे भी गिफ्ट चाहिए नानी। ओके ओके, आपके लिए भी बनवा देंगे। आ ये। कितना प्यारा एंगलेट है। आशा, आशा बेटा तू यहां कैसे पहुंची? मुझे तेरी हालत किसने की? मुझे बता, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। माँ क्या हुआ है तुझे? श्रेया, श्रेया, इज एवरीथिंग ओके? श्रेया, तुम जाओ, मैं आशा को देख लूंगी। कैसे रुकूं? अब ये मेरा शहर नहीं है और अब तो मेरी सगाई भी हो गई है। कुछ नहीं बचा है मेरे लिए यहाँ पे। ये क्यों किया मेरे साथ आपने? मेरी शक्तियां भी ले ली, मेरी माँ भी जा रही, रोक भी नहीं सकती मैं उन्हें। चल बेटे, घर चलते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछ लो। पूछो वत्स। माँ, श्री अभी एक छोटी बालिका है, नादान है, आपने कुछ ज्यादा एक कठोर दंड नहीं दे दिया उसको? वत्स, तुम ये भूल रहे हो कि श्री एक बालिका होने के साथ साथ मेरा अंश भी है। यदि शक्तियों का उचित प्रयोग ना किया जाए तो वह विनाश का कारण भी बन जाती है। विधि के विधान में परिवर्तन करके श्री भी यही भूल करने जा रही थी वत्स। संतान यदि अनुचित मार्ग पर चल पड़ती है तो यह माता पिता का ही उत्तरदायित्व होता है कि वह उन्हें दंड देकर अनुशासित करे और उन्हें सही मार्ग दिखाए। किंतु मां, आप मुझे इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? यदि संतान तनाव में हो तो माँ प्रसन्न कैसे रह सकती है वत्स? माँ का सुख तो उसकी संतान के सुख से ही जुड़ा होता है, किंतु संतान के कल्याण के लिए कभी कभी माँ को कठोर भी बनना पड़ता है।
यदि श्री को आज नहीं रोका जाता तो वह निकट भविष्य में स्वयं को एक बहुत बड़े संकट में डाल देती। सुमा, आशा को क्या हुआ? ठीक है ना वो? ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। आराम करती है, ठीक हो जाएगी। मायरा बेटा, ये लो। गुड़िया, ये पायल कहाँ से मिली? सविता, वो मेरा एक प्लेट है, दो। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, और ये कोई खेलने की चीज नहीं है। नानी, 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 मुझे डांटा, नानी, नानी, मुझे डांटा, किसने डांटा? सविता जी, आपने डांटा मेरी मायरा को? रुला दिया ना मेरी प्रिंसेस को। मेनका जी, मायरा मेरी भी पोती है और मैंने उसे डांटा नहीं, बस रोका है। वो इस पायल से खेल रही थी। How dare you, सविता जी? एक मामूली पायल के लिए डांटा आपने मायरा को? ये कोई मामूली पायल नहीं है, आप इसका मोल नहीं जानती। अरे क्या खास है इस पायल में? हीरे जड़े हुए हैं, यादें जुड़ी हैं। दुनिया भर की दौलत से बढ़कर है ये पायल। मेरी श्री की एक ही तो निशानी है मेरे पास। अरे बाप रे सविता जी, आप और आपका मेलो ड्रामा। मेरी श्री की पायल, मेरी श्री की पायल। अरे क्या करेंगी इसका आप? गई वो नहीं आने वाली आपकी श्री। आएगी, इस पायल का दूसरा जोड़ा उसके पास है। ये पायल का जोड़ा भी पूरा होगा और मेरी श्री भी वापस आएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं नानी देगी, नानी दे। हाँ अच्छे वाले। दादी, यही हूँ बेटा, अभी आया। आशा बेटा, तू ठीक है? तूने कुछ नहीं खाया? कुछ खाएगी ना तो अच्छा लगेगा। मैंने तेरे फेवरेट खीर बनाई है, चल चल। अच्छी बच्ची, आ जा। क्यों चाहिए वो बेकार सी गंदी सी चिची पायल? नानी है ना, नानी सुंदर महंगी वाली पायल लाके देगी। ओके, इट्स अ प्रॉमिस। और क्यों ली वो सविता की गंदी पायल? ची, वो पायल सविता की नहीं थी नानी, वो पायल मुझे मम्मी की कबर से मिली। श्री की पायल माया के कबर में कैसे आ सकती है बेटा? हाँ नानी, मुझे वो पायल मम्मी की कबर से मिली। रुको, ये फ्रॉक, वो पायल मुझे इस फ्रॉक में से मिली। ये तो आशा की फ्रॉक है। Are you sure मायरा बेटा के पायल इसी में से मिली? अरे हाँ नानी, मुझे वो पायल इसी फ्रॉक में से मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? सविता को अपने कबर्ड में रखते हुए मैंने खुद देखा था, तो फिर ये आशा के सामान में कैसे आ सकती है? कहीं आशा ही इनकी श्री तो नहीं है? शुभ मंगल हो, सुबह से शाम तक हो,
शुभ लाभ धन वैभव खूब बरसे हर पल में हो शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ